तो आज से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन उनकी तरफ से किया जाएगा। इसमें राज्य के जिला और शहर के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रियंका के दौरे के दौरान पार्टी के राजनीतिक माहौल पर और साल के अंत में होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारी पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सोनिया और प्रियंका गांधी भूहेमऊ में चल रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगी। फुर्सतगंज एयरपोर्ट से रायबरेली पहुंचेंगे दोनों नेता। तो इस दौरान कार्यकर्ता कार्यशाला के जरिए जीत का मंत्र देने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार यूपी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही है। तो आज के इस दौरे को लेकर भी काफी निगाहें जो हैं वो इस पर रहेंगी, टिकी रहेंगी। आपको बता दें कि दो दिन का रायबरेली दौरा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का है, जहां पर वो कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरेंगी, जीत का मंत्र दिया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं के कार्यशाला में शामिल ये दोनों नेता यहां पर होंगे। राज्य और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यकर्ता जो है कार्यशाला में शामिल होंगे, जिन्हें संगठन को किस तरह से मजबूती दी जानी है और किस तरह से जीत का जोश भरा जाना है उसका मंत्र देती हुई खुद कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देती हुई नजर आएंगी। तो कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से इस कार्यशाला को लेकर तमाम तैयारी की जा रही है। तो दो दिवसीय रायबरेली के दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। संवाददाता अमरीश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमरीश, राज्य और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यशाला में शामिल होंगे और इसके जरिए जीत का जोश भरने की कोशिश दोनों नेताओं की तरफ से। जी, बता दें कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये करीब 1 बजे के लगभग यहाँ फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरेंगी और उसके बाद जो है भूहेमऊ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी, जहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण चल रहा है उसमें शामिल होंगी। इसके अलावा भी पूर्व विधायक अजय पाल सिंह हैं, जो अरखा गांव के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के थे, उनके बेटे का निधन हो गया था, तो उनके घर भी जो है शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगी। ये दो कार्यक्रम हैं फिलहाल और गेस्ट हाउस के अंदर ही वो रहेंगी और उसके बाद जो है कल दोपहर बाद फिर वो निकलेंगे दिल्ली के लिए। जी बिल्कुल अमरीश, इस कार्यशाला को लेकर तैयारियां किस तरह की, कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? कार्यशाला बराबर चल रही है और उसमें अजय कुमार लू और जो AICC के जो सदस्य हैं वो बराबर प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये आज तीसरा दिन है और जो कल तक चलेगा ये प्रशिक्षण, और उसको लेकर के जो कार्यकर्ता हैं ये बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबके हर जिले से आए हुए हैं और यहाँ बराबर प्रशिक्षण ले रहे हैं। बिल्कुल अमरीश, दो दिवसीय दौरा है, काफी अहम जो है इस दौरे को माना जा रहा है, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी तो एक एक्टिव मोड में नजर ही आ रही है यूपी की राजनीति को लेकर। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान खुद कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी, जोश भरने की कोशिश यहां पर होगी, तो ये दो दिवसीय जो दौरा है किस तरह से कार्यक्रम, अगर आज की बात करें, आज के कार्यक्रम पर नजर डालें तो आज किस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है? यहाँ पर जो है आज विशेष है कि जो प्रशिक्षण दो दिन का हो गया है उनका बुंदेलखंड का, उसके बाद आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये सब चलेगा, तो आज जब पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर प्रियंका के आने से कार्यकर्ताओं में तो खुशी रहती है। दूसरी चीज, प्रियंका बहुत कांग्रेस को कुल मिलाकर के एक जान पैदा करती है कांग्रेस में और नया जोश कार्यकर्ताओं में भरती है, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह तो रहता ही रहता है और इसी को लेकर के सब चलेगी बैठक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरते हुए दोनों नेता सोनिया और प्रियंका गांधी का दो दिन का रायबरेली दौरा है, जहां पर कार्यकर्ताओं के कार्यशाला में शामिल होंगे।